हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज ट्राई कीज कर रहे होंगे। मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी बहुत जल्द। के लिए सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप सबों का। मैं सबके नाम तो एक साथ नहीं ले सकती। और अब मैं आपको एक बेसिक सी रेसिपी है, वड़ा पाव की रेसिपी, जो बॉम्बे की है और मैं भी तो बॉम्बे की हूँ। और मैंने ये अपना वर्जन रहता है, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपीज रहती है और मेरी अपनी रेसिपी है, थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। हमने 4-5 आलू लिए हैं, बॉईल करके पील किए हैं उसको और फिर उसको मैश किए हैं। और उसके बाद हमने ये ग्रीन चटनी जो नॉर्मली हमारे घरों में रहती ग्रीन चटनी सैंडविच के साथ, वो है वो ग्रीन चटनी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, राई, हल्दी, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और धनिया, नमक और ये है धनिया और सौंफ। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, राई ऐड करेंगे, ज़ीरा और धनिया और सौंफ। जैसे ही गरम हो जाए इसमें धनिया और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, फिर अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे, पूरी स्मेल उसका कच्चापन चला जाना चाहिए। जैसे उसका कच्चापन चला जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी और हल्दी को भी अच्छे से भून लेंगे। नमक ऐड करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम एक बड़े से बाउल में आलू लेंगे और ये जो चटनी है आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना आप उसी हिसाब से अपनी चटनी ऐड कर सकते, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अलग और यूनिक आता है। आप बना के देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये दूसरे बाउल में हमने बेसन लिया है 1 कप, उसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी और ये बेकिंग सोडा है। फिर हम इसके बाउल बना लेंगे और इसको गरम तेल में डिप करके फ्राई कर लेंगे, इसको बेसन के घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। और ये है गरमा गरम हमारे वड़ा तैयार है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खाइए, मीठी तीखी चटनी जैसे भी। आप उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो फिर से वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब और हाँ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।